दोस्तों, इसमें जो सामने पीली टी शर्ट में भाई दिखाई दे रहे हैं, ये औसित भाई हैं, जो पहले भी अमरोहा नौगावा सादात नई बस्ती गोल्डन मुल्ला जी के पास आए थे कबूतर लेने। और इन्होंने अब भी कितने बुक किए हुए आपने? 14 पेयर। 14 पेयर, 28 हो गए, 28 हो गए सब। हाँ, तो चलो इनके आपके कबूतरों का इनका शौक कराते हैं जो इन्होंने लिए हैं। ठीक है, चल रहे हैं उधर, चलिए। दोस्तों, सुबह से थक के बुरा हाल हो गया और हम नहाने गए थे कहीं, वहाँ भी नहीं नहा सके क्योंकि वहाँ बड़े डेंजर डेंजर डेयर ड्रैगन घूम रहे हैं, वहाँ एक से एक स्नैक सांप, खतरनाक सपना सांप है इनके एरिए में। और यहाँ ये सेवा पानी में करने में लगे, ये देखें। क्या क्या आइटम है ये? ठीक है जी, वो शिवजीत भाई बैठे हैं और इनके यहाँ यार ये नई चीज़ देखी हमने, बड़ा प्रेशर से बड़ा स्पीड से पानी निकलता है, वो दिखाना, वो चीज़ है। तो बोतल के ऊपर ये जुगाड़ लगा देते हैं, ये शायद हमारे यहाँ पंजाब में नहीं है ये। ठीक है, ये देखो, ये निकालेंगे, देखो दिख रहा है, पहले इधर देखो, इसमें वीडियो में आ रहा है, ये देखो बड़े बड़े। ये देखो, ये पानी भर लिया इन्होंने, बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है यहाँ पर ये। और ये हमारे खालू है, साथ में इनकी पूरी सेवा कर रहे हैं, देखो खालू जी मजे मार रहे हैं। सुबह सांप से मुलाकात की इन्होंने, हाँ सांप से मिलके बड़े खुश हुए ये। और अभी हम मछली मछली खाने की तैयारी में है जी। ओके, कोकोनट ऑयल थोड़ा बाल हो जाए तरीक से लगाएं, ठीक है। बाकी अब आ जाओ खालू, बैठो खालू, खालू खालो, ठीक है जी, खालो, खालो। आओ सुभजीत भाई, आप भी बैठो साथ। अरे झूठे ही साथ खाते हैं यार, है एकादशी चल रहा है, हम खाने जिद चल रही है खाना खाने की। इतना गोल्डन मुन्ना मना कर रहे हैं खाने के लिए। और ये देखो यहाँ स्पेशल एक मछली है, इनके यहाँ की कोई स्पेशल बता रहे हैं ये स्पेशल फिश है, कोई लिश लिश फिश बता रहे हैं, यहाँ की बंगाल की बहुत मशहूर है ये। तो ये मछली आई है देखो, और गोल्डन मुल्ला जी कह रहे जी मैं नहीं खाऊंगा। अरे देखो गोल्डन मुल्ला जी नाराज हो रहे हैं, पूरा का पूरा खाना होगा। हाँ खाना तो है जरूर। हाँ जी गोल्डन मुल्ला जी तैयार हो, ठीक है, तैयार हो, खाओ जल्दी खाओ, शुरू हो जाओ। नाराज है गोल्डन मुल्ला जी, ये कह रहे मछली नहीं खाने का, बाकी सब खा लूंगा मैं। ये लगी अब हेल्थ बड़ी। दोस्तों यार, जहाँ हम बैठे हैं ना, इन्होंने पता नहीं हमें क्या 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 समझा हुआ है, इन्होंने खाना इतना ला दिया, मतलब एक इंसान को 10 इंसान जितना खाना दे रहे हैं। तो वो मुझे पता लगा ये क्यों दे रहे हो इतना, वो देखो वो बंदा जो बैठा है ना ये, वो डबल तिबल खा रहा प्लेट थाली भर के, देखो ये देखो, जगह आगे से हटाओ, जगह आगे से हटाओ, ये जगह हटाओ अपना थाली के आगे से, वो देखो थाली चावलों से फिर भर लिया। और ये हमारी भी, हमारे उसमें बच गया है इतना भी, ठीक है। और चार 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 सब्जी, पांच पंद्रह क्या क्या रख दिया इन्होंने ला के, ये गोल्डन मुल्ला की हो गई भेजी है, देखो बैठा ये। और ये अभी भी यार, ये अभी भी लपेट रहे, कह रहे तुम कुछ खाते हो, कुछ नहीं खाते है, देखो और लपेटने में लगा पड़ा अभी, फिर और कुछ पूरा प्लेट डाल लिया उसमें, वो खींचने पे बंदा। और उनके पीछे ये दो बंदे बैठे हैं, आप अपना गिफ्ट लेने आए हो, और आप दोस्त है, आपके दोस्त है ये, चलो ठीक है। तो बड़ी तगड़ी डाइट है यार इनके, मैं तो देख के हैरान, कितना खा रहे पूरे दिन में, तीनों टाइम का मिला के मेरे से इतना नहीं खाया जाएगा जितना ये खा रहे हकीकत में, और इतना खा लिया अब रात को जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है जी। और एक चीज और दिखाना चाहता हूँ इनके यहाँ डिश में, जो खाने को परोसा गया है, जो एक मछली स्पेशल है, अंडे बीच में पका दिए, अंडे बीच में इसके, ये देखिए ये फिश है, और यहाँ से जो हिस्सा थोड़ा हुआ वो अंडे हैं सारे। तो ये इनके यहाँ अंडे बाहर नहीं निकालते, अंदर ही बीच में से काट दिया उसको, ऐसे बना दिया, ठीक है। अंडे भी अंडे जो रूम मछली है ना, उसका अंडा बाहर निकल जाता है। हाँ हर मछली का बाहर निकल जाता है, वो जो मछली खाए ना आपने चाव से, भोला मछली कहते हैं, उसका रहता है, इसका रहता है, अंदर ही रहता है अंदर।
ये मछली बनाई इन्होंने अंडा अंदर ही है, बीच में फिट है सारा कुछ, ऐसी सामान ऐसी कटिंग करके, टेस्ट अच्छा है, बढ़िया चीज़ है और काफ़ी मज़ा आया खाना खाने में। ठीक है, ओ भाई देखो थाली भी लपेट गया वो यार, तो पेट में जा रहा कहीं और जा रहा उसके।